रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हैप्पी बर्थडे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, सॉरी इस बार मैं साथ में नहीं हूँ बर्थडे पे, बट टेंशन मत लो क्योंकि मैं अच्छी हूँ और दुआ करो मेरे लिए बहुत। उम्र को बहुत याद आती है तुम्हारी और सबकी। हैप्पी बर्थडे, लव यू, अल्लाह तुमको बहुत लंबी उम्र दे और मेरी भी उम्र थे अगर मेरी उम्र लंबी हो तो, और खुश रहो, अपनी दवाई टाइम पे लो। लव यू, हैप्पी बर्थडे। तेरे बिना ऐसे जिए जा रहा था मैं, फ्रिजी, तेरे बिना ऐसे जिए जा रहा था मैं, लगता है जैसे कि कोई गुनाह किए जा रहा था मैं। देखो बाबा कितनी क्यूट लग रही है ना, मस्त। सुबह से शांति? हाँ शांति है फिलहाल तो। अरीना है ना, आज प्लानिंग चालू है अभी हर कोने में। विनीत को बचाना चाहते ये लोग, विनीत ने अपना बलिदान दिया ना। हम भी अच्छा, वो कह रहे हैं कि अरीना अपनी विनीत अपनी मर्जी से टास्क में चार्जशीट में आया। मुनावर ने बोला था, मुनावर ने कैसे पता चला? अरे विनीत बोल रहा था कि मुझे बचाना, तो मुनावर ने बोला कि भाई तुम फाड़ दो टास्क में, बाकी का मैं संभालूंगा। तो मुनावर मतलब दोनों गेम खेलता है। मुनावर तो बहुत स्ट्रांग सेटिंग से ये शो में आया है। वो सिर्फ सोता है, बीमार होता है और खाना खाता है और टास्क करता है। देख पहले तो तूने जो मैं साहिल रोहतगी के साथ दोस्ती का ये जो हो रहा है उसकी तो मुझे नहीं लगता कुछ जरूरत थी। नहीं, अपने उससे लड़के फायदा नहीं, टेंपरेरी लड़ने का फायदा, उससे लड़के अपना नुकसान, क्योंकि उसका फायदा होता है अपने से लड़के। उसका फायदा अभी भी हो रहा है, उतना नहीं हो रहा। बट एटलीस्ट शी इज नॉट गेटिंग मैग्नीफाइड। सी गाइस, यहां पर सिर्फ लड़ाई ना, वो नॉर्मल लग रहा। जैसे उसने लड़ाइयां करनी बंद कर दी ना, उसकी स्टोरी भी बहुत इमोशनल है ना, जो उसने लाइफ में फेस किया है, तो लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। पर उसने चूज किया ना अपनी स्टोरी बाहर आने के लिए। बिल्कुल, वो अपनी स्टोरी चूज कर रहा है बाहर आने के लिए। अभी मुझे अगर कुछ ऐसा सिचुएशन मिलेगा जहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा तब मैं बोलूंगी। आपको क्या पता मेरी तुम्हारी स्टोरी कल तुमने बताई भाई की, कितना तुम रोती थी एक उसमें वीडियो में, तुम अचानक से रोने लग गई। बिकॉज देखो, भगवान अगर तकलीफ देता है मुझे अपना भाई बहुत पसंद है। सबको प्यार होता है यार अपने भाई बहन से तो। I'm fine. I'm fine. You look it. She made me talk about my brother. And I don't want to talk about my family. बालू की फटी पड़ी हुई है। That fucker could influence him so much that he voted against me. Understand the level of influence. This was a made his life so easy, man.
अरीना जीतने का, अरीना हारने का नहीं, अरीना मतलब फाड़ के हाथ में देने का, फिर कोई भी रहे सामने फर्क नहीं पड़ता। सो लग रहा अलायंस बना के सब कुछ हासे में रख के निकल जाएगा तो ऐसा होगा नहीं, सबको लॉलीपॉप दे देकर रखा हुआ है, जीतेगा तो घंटा किसी कीमत पे नहीं, मैं सिर्फ लिख के ले लेता हूँ। वो चल नहीं रहा है, इज क्रूजिंग टूवर्ड्स ग्रैंड फिनाले, थोड़ा ना ट्विस्ट होना ज़रूरी है। वो दिन बिडिंग में देख ऐसा ट्विस्ट हुआ तो एक उसका भक्त निकला, कितना फर्क पड़ गया जैसे शिवम निकला। अभी शिवम घंटे पे मार रहा है उसको, अब मैं भी शाणा हो गया। पहले मेरे को सभी एड़ा समझ रहे थे कि मैंने इसे बॉडी बनाई है, अक्ल नहीं मेरे पास, लेकिन मेरे पास भी अभी अक्ल है वो साबित करने के लिए। वो कोशिश कर रहा है साबित करने की, बचकान ने क्या बड़ बोला, से बड़ 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 घिसी पिटी शायरियाँ सुनानी है, सबसे कुछ काम नहीं मिलेगा बेटा। मुझे कहना नहीं है कि कौन सही था कौन गलत था, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, राइट? ऑल आई वांट टू से द पुश दैट आई डिड इन माय रिएक्शन टू हर एक्शन सही नहीं था और उस चीज़ के लिए मैं सॉरी हूँ। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट पेरेंट्स, मुझे वो नहीं कहना है एनी मोर, मुझे बस ये कहना है आई एम सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड एंड मूव फॉरवर्ड। तू भी आइंदा से फ्यूचर में कुछ बोलियो मत। मुझे यहाँ पे माँ बहन की गाली ऑलरेडी पड़ी हुई है बहुत, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये फर्क पड़ता है कि मेरे मां-बाप पे उधर क्या बीती होगी ऐसे हालत में देख के। तुमको समझ आया ना? हां ठीक है ठीक है ठीक है, हां जाओ। आई जस्ट वांट टू से दैट। हां ठीक है जाओ, आई डोंट टेक इट। तुमको एक्सेप्ट करना है और नहीं बात करना है और ये सब बोलना है मुझसे वो नहीं है, उसमें सामने मां-बाप तुमने क्या कहा, ब्रदर सिस्टर बात नहीं करेगी और बोलेगी सॉरी बस खत्म, यही बात होती है। आएगा तो लास्ट मतलब पक्का कोई दे देगा। हां सब चीज को भी इनके शुरू किया, बट उसने तो मुंह से बोला था ना। एक सेकंड, तुमने दिखा जब मैं बीमार थी, जब खाने खा रही थी, है ना, खाने खा रही थी, कितना बार मुझे चीजें, तब तुमने जेलर से बदतमीजी की थी, जेलर को गाली। तुम्हारा नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारा हाथ में नहीं है, ये मेरा हाथ में नहीं है, लेकिन बस मेरा बोलने का हक है ना पूरा, मुझे ये और बात नहीं करना है बस। जब साइशर ने तुम मुंह से बोलेंगे वो भी मुंह से बोलेंगे, मुंह से बोल, मुझे जो भी बोले दरवाजा मेरे मुंह पे तोड़ेगी, कल को दरवाजे की रॉड टूट के मेरे मुंह पे गिर जाती। फारसी में क्या गालियां दी हमें, क्या पता सपने आ रहे हैं। तेरा बाप बोल, वो तो बोल के गालियां दे रही थी, कितनी गंदी कर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे तो यही टेंशन थी कि मेरे माँ बाप को कैसे लगेगा बाहर, वो सोच रहे होंगे मेरी बेटी शो खेलने गई है या मार खाने गई है लोगों का। सही बात है, आओ चर्चा करें। व्हाट्स कमिंग इन, we must take strong stand against any local awards who claim to be international like Kangana and yet ignore and intentionally sideline legendary artists because of their race or ideology. Both Oscar and Grammys failed to give tribute to Bharat Ratna Lata Mangeshkar ji. Our media should totally boycott these biased local events who claim to be global awards. That is actually true, forget boycotting them, but they should have. But then Grammy Awards gave award to Falguni Shah and No, but that is true. But they should have given tribute to Bharat Ratna Lata Mangeshkar ji, which is a fact. But कौन सा award? Global award कौन सा? Grammy. नहीं नहीं. नहीं Grammy award का कल. ये Grammy को बोल रहे क्या? हाँ. कल हुआ था ना? ये गलत बात है कि हमारे legendary artist अभी लता मंगेशकर जी इतनी मतलब बात पता क्या लेजेंडरी वर्ड छोटा है उनके लिए, ठीक है, बट क्या होता है ना, हम लोग इतनी तवज्जो दे देते हैं इनके अवार्ड्स को, इतने उनको इनके उसको कि लोग आजकल जो सिंगर आर्टिस्ट रैपर्स भी हैं वो रैपर भी अपने वो रैपर्स भी अपने गानों में भी लिखते हैं कि भाई हमें ग्रैमी दिन ग्रैमी ले आऊंगा, क्यों ग्रैमी ले आऊंगा भाई, तुम्हारे देश के अवार्ड क्या कम पड़ गए क्या? ये क्या होता है, इनको तवज्जो देने की आदत होती है, उनको इतना भाव दे दिया, वो सर पे चढ़ा रखा है वो अवार्ड, इनके अवार्ड ये, उनके अवार्ड वो। She's saying to sideline the entire award. This was sideline. No, local events, मतलब वो ग्रैमी और ऑस्कर को बोला है। हाँ, ग्रैमी और ऑस्कर को लोकल इवेंट्स बोल रहा है। और ये जैसे इंडिया है और अलग अलग कंट्रीज है, जैसे रशियन सिनेमा या जर्मन सिनेमा, ये सब जगह जो जो लेजेंड होते हैं, ये इन सारे लोगों को एक स्टैंड लेना चाहिए साथ में कि सब जगह ही लेजेंड्स है ना, कि हाँ भाई ऑस्कर और ये बड़े हैं पर वो भगवान है। यार लता मंगेशकर जी को भी जरूरत नहीं है। हाँ सच में इनको जरूरत ही नहीं है। I'm ready. चल Garbo Shaktiman is here.
everybody. Hello. लॉकअप के अत्याचारी अरीना में आप लोगों का स्वागत है. नमस्कार. थैंक यू साइशा. गुड टू हैव यू बैक. केवी, इट्स फैंटास्टिक टू हैव यू गाइस बैक. सो ग्लैड टू बी बैक. आई रियली रियली लव यू गाइस. एवरीबॉडी हियर, थैंक यू. वी लव यू टू. आज बड़ा लव यू बोल रही है. अरे आप तो लव यू बोला तो मैं लव यू बाबा बोला. अच्छा अच्छा. तो फिर यू नो आई लव यू. आई लव यू टू. यस एंड इट्स गुड टू हैव यू बैक. I didn't well. leave Karan. हाँ मुझे पता है. आप जो भी कर रही थी मैं उस पे पूरा पूरा अपना पता है नजर रख रहा. पता है. See what happens is मैं शिवम को जानता हूँ, मैं जीशान को जानता हूँ, केवी को मैं आज का नहीं इतने सालों से जानता हूँ, पायल को मैं कब से फॉलो कर रहा हूँ. आई नो एवरीबडी. मुनव्वर को तो मैंने ही एक बार मैसेज किया था, अगले ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, वो अलग बात. एवरीबडी. पूनम आई एम नोन फॉर एजेस. अली इज बिन माई फ्रेंड फॉर ईयर्स. यू आर अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. यू नो दैट. एवरीबडी नोज दैट. लेकिन अगर आप इसको लॉकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एक 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 फ़र्क है. बट ये फर्क मैंने कभी भी यहाँ दिखाने की कोशिश नहीं की. Of course. आप गलत करोगे, मैं आपको गाइड करूंगा. मुझे इसमें से कुछ मिल नहीं रहा. वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ अ शो एंड वी आर एक्चुअली किलिंग इट. सो हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है. मैं जो बोलूंगा वो आपके लिए अच्छा है. Of course, बाकी अगर आपको ट्रेंड होना है तो आप हो सकते हैं, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक what happened is that when I see you, I know you as a friend, and yes. suddenly I come here, it was my mistake that वो सब मिक्स होता है. दैट डे माय एक्सपेक्टेशन वेंट समवेयर एल्स एंड देन नो. आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. गुस्सा आता है. ओके और उस वक्त में ना हम लोग भूल जाते हैं. वहां पर एक मंदाना करण से बात कर रही थी. yes. ना कि एक कैदी अपने जेलर से. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. वी आर ऑल ह्यूमंस. एनीवे ओके ऑन दैट नोट कैन आई गिव यू अ हग. I'm sorry, huh? Don't. You don't have to be sorry. Sir, कुछ इस तरह से हमने ज़िंदगी को आसान कर दिया. Wow, wow. किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया. Oh wow. No, in the end, now that you've done this gesture, I would also like to apologize for losing my plot. I'm glad we had this chat. I'm glad that everything is good. Yes, everything is great. So, Sasha, आप तो बाहर देख के आई होंगी. केवी, आप भी बाहर देख के आए होंगे कि क्या बवाल मच रहा है हमारे शो को लेके. सो आई होप स्पिरिट्स आर हाई. बहुत सारे मुखौटे उतर गए हैं. एंड नाउ यू फील हाउ आई फील. यस आई नो एवरीथिंग. आई नो एवरीथिंग. मुद्दे पे आते हैं. पायल, आपने कल बहुत ही डेयरिंग तरीके से डेयरिंग बाजी को किया. कांग्रेचुलेशंस. आई लाइक द वर्ड पायल सक्सेसफुली वन डेयरिंग बाज व्हाटएवर गेम. अच्छी बात है. होता है. दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. मुनव्वर, देखो क्या लग रहा था, क्या क्या चल रहा था कल. मुझे जब उन्होंने बात करना शुरू किया तो मुझे लगा यार रिएक्शन लेना है, हमारी अपॉलोजी चाहिए, या अपॉलोजी नहीं चाहिए बट एक अग्रीमेंट चाहिए कि ओके चल तूने जो किया लेट्स मूव ऑन. कि ये तीन लोगों को मनाना है क्योंकि लास्ट टाइम झगड़ा कराना था तो मुझे लगा मनाना होगा. तो एक टाइम के बाद आई रियलाइज़ कि मैं इससे बात ना करूं, मैं इसको बोलूं बाद में बात करेंगे. बट देन आई रियलाइज कि नहीं, टास्क से बढ़ के जो बात बोल रही है वो एक टास्क से बढ़ के है. तो आई वॉज लाइक भले जीत जाए बट मैं ये बोल देता हूँ. यूजली क्या होता है कि मुनव्वर को सबसे पहले समझ में आ जाता है कि हो क्या रहा है, राइट. और कल जब मुनव्वर को नहीं समझ में आ रहा था तो हमें बहुत मजे आ रहे थे. इट्स नॉट ऑलवेज कि आप ही सब कुछ करते रहेंगे और आप ही एस करते रहेंगे. इट वॉज एक्चुअली क्वाइट फनी. चलिए आज के अत्याचारी खेल पर आते हैं. आज के अत्याचारी खेल का नाम है खींच के बंटी बजा दे घंटी. क्या बात है. तो बहुत ही मजे आने वाले हैं एज यूजुअल. yes. ये खेल जो है बहुत सिंपल है. दो ब्लॉक्स के बीच में खेला जाएगा. कुछ नहीं करना है आपको, बस अपने ब्लॉक की घंटी को बजाना है. लेकिन ऑब्वियसली ये अत्याचारी खेल है. ये आप हमारा एक रिंग देख रहे हैं. इस रिंग के साथ दो कैदी ऑपोजिट ब्लॉक्स के अटैच्ड हो. आपको सीटी बजाने पर खींचना चालू करना होगा एंड यू हैव टू मेक श्योर कि राउंड खत्म होने से पहले आप अपने अपनी साइड की घंटियां बजा सकें. सिंपल.
एट द सेम टाइम ये जो हमारा एक मिनी अरेना है यहां पर भी एक खेल चल रहा है। ऑब्वियसली राइट ब्लॉक और लेफ्ट ब्लॉक के बीच में यहां पर भी आपके आपके ब्लॉक में से एक एक कैदी इस मिनी गेम को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही यहां के कैदी ये मिनी गेम को जीत जाते हैं व्हाट दे हैव टू डू इज दिस। ये करने से इमीडिएटली बाद एक टाइमर शुरू होता है विच इज 3, 2, 1 और ये बजर की आवाज आएगी। नाउ ये 10 सेकेंड की एज उस ब्लॉक को मिलेगी जो ये मिनी गेम जीतता है। एज सून एज आप ये बटन दबा देते हैं आपके पास 10 सेकेंड है, आप इमीडिएटली जाके अपने आप को रिंग के साथ अटैच कर। 10 सेकंड के बाद जो हारा हुआ कैदी वो अपने आप को जाके अटैच करे। अच्छा, सो इन शॉर्ट दोनों तरफ खेल चालू होगा, हमारे मेन अरीना में भी और हमारे मिनी अरीना में। जैसे ही ये बजर बज जाता है तो आपका नेक्स्ट सेट ऑफ कैदीज आके यहाँ पर मिनी गेम खेलते हैं। हाँ, ओके, सो एट इन वन राउंड 3 कैदी इस ब्लॉक से और 3 कैदी इस ब्लॉक से खेल को खेल सकते हैं। पूनम, अंजलि, आप दोनों ये आज का खेल नहीं खेल सकते। यू आर नॉट फाइन, आपकी चटनी बनाने वाले टास्क में आपकी चटनी खुद की बन गई थी। नो, आज का जो हमारा ये खेल है ये बेसिकली आपकी बैक से चलता है, आप अपने हाथ से नहीं खींच सकते। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट ऑन द बैक। ओके, सो वी आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क हियर। सो ये टास्क हम 4 राउंड्स में करेंगे। हर राउंड में मिनी गेम चेंज होती रहेगी। पहले राउंड में 2 लड़के और 1 लड़की हर ब्लॉक से आएंगे, उसके बाद हम लोग इसको चेंज करेंगे। सो आइडियली अगर आप एक ही स्ट्रेच में 3 राउंड्स जीत जाते हैं तो आप आज का अत्याचारी खेल जीत चुके हैं। खींच के बंटी बजा दे घंटे। चलिए, let's get you guys ready for today's Atyachari Khel. All the best. Let's do this. Okay, all the best, all the best. All the best, guys. Mandy. Zeeshan wants to be first. Zeeshan, you will be first. Yeah. You 3 are first. And then first, we you will go for the game. Okay. To second manja. He would need your help. Okay. Yeah. He would need your help. Players देखने की कौन सा player join करे और हम लोग। तो जब ये करेगा, he'll need your help. ठीक है, मैं ठीक है। Boom. नंगे पैर देख लो। बता दीजिए। बस एक हफ्ते की बात है, नेक्स्ट वीक से तू आ जाएगी यार। क्या ऐसे कर रही है तू, कल से ठीक हो जाएगी। ऑलराइट, अब हम अपना पहला राउंड शुरू करते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि पहले 2 कैदी कौन है ईच ब्लॉक में से जो कि रिंग पे होंगे और दूसरे 2 कैदी कौन है जो मिनी गेम पे होंगे। गार्ड्स, हमारा पहला मिनी गेम ले आइए प्लीज। तब तक जो हमारे पहले कैदी हैं वो जाकर अपने आप को हार्नेस कर सकते हैं। Yeah, come on! क्या बात है? Come on! मिनी गेम्स में कौन आ रहा है पहले? अली आ जाइए। थैंक यू। कभी आप लोगों ने फ्लिप द बॉटल खेला है? हाँ, ऐसा ही कुछ। सो जब मैं विसल बजाऊंगा तो आप दोनों टग ऑफ वॉर शुरू करेंगे। एट द सेम टाइम आप दोनों में से जो कोई भी फ्लिप करके बॉटल को लैंड कर देता है वो ये मिनी गेम का राउंड जीत जाता है। आप में से जो भी ये जीतता है इमीडिएटली गोज एंड स्टार्ट सपोर्टिंग योर फेलो कैदी। ओके, चलिए इन 3, 2 ऑलराइट, मुझे लगता है ये रिकॉर्ड टाइम में पहला वहां पे ज़ीशान। व्हाट हैपेंड? फर्स्ट राउंड इज अप। इफ यू गाइस वांट टू चेंज आप चेंज कर सकते हैं। आर यू ओके? या आई एम गुड ब्रो। सेकंड राउंड में आएंगे ईच ब्लॉक में से 2 लड़कियां और 1 लड़का। यू कैन चेंज पोजीशन, यू कैन चेंज एवरीथिंग, कुछ भी कर सकते हो।
कौन जाए, वो जीशान रह रहा है वहाँ पे और आप दोनों ऑब्वियसली खेलेंगे। चलिए गार्ड जी आप प्लीज हमारी सेकंड मिनी गेम ले आइए। ओक ट्री ब्रदर, ओक ट्री, ओके यार राइनो, एक बार गिरा देना। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल मिनी गेम है, आपको स्टैक्स बनाने हैं, नीचे के लेवल पे चार, उसके ऊपर तीन, उसके ऊपर दो, उसके ऊपर एक। जैसे ही आपका ये 4-3-2-1 हो जाता है, जो भी जीतता है वो ये बटन प्रेस करते हैं। ऑलराइट, आर वी रेडी? निशान अली, साइशा, पायल, पायल तो ऐसे कॉन्सेंट्रेट करिए आंखों से ही बना लेगी। ऑलराइट, 3-2-1 Very nice. Do not touch the harness. Very nice. Well done. Well done. Come on, Saisha. Come on. Ali, ne, Ada ne, Ali, Ada mato. Free AC. Ali, Ada mato. Go, 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 go. Hurry up. Come on. Let's do this. Brilliant. Brilliant. What are you? सेकंड राउंड में अपन जीत गए। ब्रिलियंट, वेरी नाइस, ब्रिलियंट। अली बोल रहा आड़ा मत जा, सीधा सीधा जाओ, सीधा हो जाने। वाओ सेट, सीधा हो, सीधा हो, क्रॉस जा रहा, गिरे मैं जाऊं अब आगे, रुक जा, वो बताएंगे थर्ड राउंड में क्या आ जा। राउंड 3, अभी तक राइट ब्लॉक 2 राउंड्स जीत चुका है। अगर आप एक और राउंड जीत जाएंगे, इसका मतलब है कि आज का हमारा खेल राइट ब्लॉक जीत जाएगा। राउंड 3 में रगड़ दे, आर यू गुड टू गो? या ही इज गुड टू गो बाबा, कुछ नहीं है, 5 सेकंड ब्रदर, गो, लेट्स गो, लेट्स डू दिस। यू आर ओक ट्री, ओके, यू आर एन ओक ट्री, मदरफकर, यू आर ओक ट्री, ओक ट्री, ओके, ओक ट्री, 1 2 3, लेट्स डू दिस, गो गो। थर्ड राउंड में रिंग पे अटैच्ड होंगे 3 लड़के दोनों ब्लॉक से, इन टोटल 6 बॉयज विल पुल The ring at any given time. और हमारी मिनी गेम खेलेंगी कोई एक लड़की ईच ब्लॉक में से, बट जो भी ये मिनी गेम जीत जाती हैं और ये बजर प्रेस कर देती हैं, उनके पास ऑप्शन होगा ऑपोजिट ब्लॉक में से किसी एक लड़के को इस रिंग में से हटाने का। जिस लड़के को मिनी गेम की जीती हुई कैदी सिलेक्ट करेंगी, उस लड़के को इमीडिएटली पुल करना बंद करना होगा, ठीक है, ओके, और एट द सेम टाइम अनहार्नेस करना होगा। ऑलराइट, सो बॉयज गेट हार्नेस्ड, व्हाई नॉट टू गाइस एंड अ गर्ल इनसाइड, या यू कैन सी हिम, बट यू, आई कैन कम इन देयर, से यस यू कैन, वो लोग बोल रहे हैं 2 लड़के 1 लड़की आ सकती है, मैं आऊं? नहीं नहीं, दूर है, मैं आऊं क्या सेंटर में? तू मेरे को क्या काम समझता है? इट्स ऑल योर चॉइस, इट्स ओपन। नहीं नहीं, तू आ जा चाहिए तो, हूएवर वांट्स टू गो, सी देयर आर टू गाइस, आपके ब्लॉक में जिन 3 लोगों को वहां जाना है वो जा सकते हैं। गाइस द द द राउंड इज ओपन, हूएवर, कोई भी 3 जा सकते हैं, नो कोई लड़का लड़की वाला वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट मिनी गेम लाइए प्लीज गार्ड, आइए आइए, ये मेरी फेवरेट है। तब तक तो वहीं खत्म हो जाएगा। ये आपका है मापा हुआ, ये आपका है। बॉयज एंड गर्ल्स रेडी? इन 3-2-1, हाथ में ही, हाथ में ही, हाथ में ही, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, आप टैप कर सकते हो फिर। वेरी नाइस, कम ऑन ब्लू टीम, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, चक दो, वेरी नाइस, कम ऑन साइशा, साइशा हाथ नहीं, हाथ नहीं, हाथ नहीं, बॉल, 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 कम ऑन, वेरी नाइस, शिवम आउट, 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 शिवम बार, कंटिन्यू कंटिन्यू, खींचो, चलिए, खींचो, 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 खींच, खींच, चलिए, 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 धीरे, 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 Come on, come on, come on! चलो धीरे धीरे, धीरे धीरे, चलो, खींचो, finish, finish, come on, Saisha,
Ali Kapoor! Come on! Come on, left block! Jump! Jump, Saisa, come on! One last pull! Pull! Chalo, chalo! Rest! Chalo! Rest! Zishan, no hands! Bye, Rasi, kichra! No hands! Zishan, no hands, come on! Chalo! Saisa, get up! Very nice. Well done. Nice. Well played. Well played. She was sitting on the bed. Well played. Orange block, आपने भी बहुत अच्छा किया. Zishan के भी. Shivam बहुत अच्छा किया. Saisha. Well done, Ali. Well done. KV. Okay. One thing remember when Saisha sits down na just hold bhai wo uska body weight itna hai body weight 70 kg hai yaar kaise karunga main jaise main leta tha 100 kg hai main 70 kg hoon sun when she sits down this is how you need to push are bhai 100 kg 70 kg ye to dekh ho jayega maine tu baith jayegi fir main kya karunga hum log teen ko kheench rahe the ja rahe the wo log piche are wo baith hi jayegi to main kya karunga it's okay wo 100 kg 70 kg kheench sakte sun सुन एक टाइम पे सुन होल्ड देम टिल सुन आई नो बता रहा हूं कैसे जैसे तो ठीक मां के अकुल करनी तब भी कैसे 100 किलो बाबा कंटल है बोरी के कंटल की बोरी है वो भाई इसको वेट आई नो वी वर हियर इसको करके मां के अकुल तब भी नहीं खींच पाऊंगा बाबा 100 किलो कंटल की बोरी है हार जा फिर हारना कैसे है हार जा फिर हे ब्रो भाई साहब है ऑलराइट तो फिर एक काम कर दे यू वांट टू गो दिखा कि तू जा रहा जाऊंगा मैं सुन तो इसे दिखाने के तू जा रहे हैं एंड में वो सोच रहा है कि बता रहे सुन ले क्या बात है क्या बात है साशा तेरे को घसी नहीं सकते तू तो बैठ गई बोला आगे जा पीछे आगे बढ़ाते हैं अपना अत्याचारी खेल अभी तक राइट ब्लॉक दो राउंड्स जीत चुका है कांग्रेचुलेशंस लेफ्ट ब्लॉक व्हाट अ कमबैक वेरी नाइस आप लोग एक राउंड जीत चुके हैं हम घुस रहे हैं अपने चौथे राउंड में डिसाइड होगा कि आज का ये अत्याचारी खेल कौन जीत रहा है इस राउंड में हमारे रिंग पे हार्नेस्ट होंगी दो लड़के और एक लड़की इच ब्लॉक में से नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग साइशा इज गोना बी द एंकर अगेन व्हेन शी बिकम्स द एंकर वन ऑफ यू गाइस हूएवर इज गोइंग हैज टू बिकम द एंकर फॉर दीस टू एग्जैक्टली समझा टाई ब्रेकर राउंड भाई मेरे पांव चले गए टाई ब्रेकर नहीं है वी कैन विन इट ओके वी हैव टू विन दिस अरे वो सो बोल मैं नहीं आ रहा भाई वो सो किलो कैसे जाऊंगा मैं कैसे कर लूंगा मैं खुद सोचो हां तो जाओ ना तो जाओ हां तो जा जा रहा हूं दिस इज नॉट द वे वी डू इट आई विल पंप यू डोंट फकिंग आई विल डू दिस कैसे वो पंप यू कोई नहीं सकता इंपॉसिबल जाओ करके डिसगस्टिंग मैन लुक एट दिस मैन आर यू यू गोइंग आई आई डोंट वांट इट ठीक है ना तू जाओ मैं हार जाऊं बट आई डोंट वांट आई डोंट नो दिस बट ठीक है और विन एंड कम हाथ मत लगा रस्सी को ठीक है हाथ मत लगाइयो कुछ भी हो जाए गिर जाइयो पड़ जाइयो इसको साइड में चलिए मजबूत रहना चाहिए सेंटर तू ही रहना बहुत कुछ है करने को अभी आप जाओ ना आप मोटिवेट कर तो आप करके दिखाओ खुद ही कर लो दो अब इस राउंड की हमारी मिनी गेम बहुत इंटरेस्टिंग है ये हमने बचपन में बहुत किया हुआ है इट्स कॉल्ड अ पेन फाइट आपको करना सिर्फ इतना है कि दूसरे कैदी का पेन टेबल से बाहर गिराना है मिनी अरीना से बाहर राइट ऑपोजिट टीम को हैंडीकैप करना है इन 3-2-1 चलो चलो कम ऑन क्या टच किया अरे कर लो कर लो उड़ाना दूसरे बंदे का पेन वेल डन मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि वक्त बदलते यहाँ पर देर नहीं लगता है वेरी नाइस वेल प्लेड लेफ्ट ब्लॉक आई टोल्ड यू इट्स नॉट पॉसिबल ब्रो टेक्निकली राइट ब्लॉक मैं पहले बेवकूफ लग रहा हूं बट आई लव इट व्हेन इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन राइट ब्लॉक लेफ्ट ब्लॉक फैंटास्टिकली प्लेड वेल डन
Saisha. This needs to come in the center. क्या बात है? Well done. Okay, अब हमारा टाई ब्रेकर राउंड होने वाला है तो अब एक काम करते हैं, अब ऑल इन जाते हैं, सिंपल मेरा फेवरेट बल का प्रयोग करते हैं. ओके, जिस तीन कैदियों को जाना है जा सकते हैं रिंग के ऊपर. यू चूज, इट्स ओपन टू ऑल. कोई भी तीन जा सकते हैं. जिसको जाना है जाए. और एक काम करते हैं, इस राउंड में ना ये मिनी एरिना रखते ही नहीं. ओके, यस, क्लियर कट, डन डन. सोच समझ के स्ट्रेटजी करना, फाइनल राउंड है. प्लीज आई डोंट डिसअपॉइंट, वी कांट टेक अ चांस नाउ. सोच, वी कांट टेक अ चांस. एक मिनट रुक जाओ, इनको देखना. चुप तू जा. नहीं नहीं, अगर तुम कॉन्फिडेंस में ज्यादा मुझसे, आप अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप आ जाओ. वहां पे पावर ज्यादा है. वो डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है. तू जा जा, चलो नहीं तू जा, यू कैरी ऑन. ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, लास्ट एंड फाइनल राउंड. इसी राउंड में डिसाइड होगा कि आज का अत्याचारी खेल कौन सा ब्लॉक जीतता है. ऑडियंस, डू और डाई सिचुएशन है. तो खींच के बंटी, बजा दे घंटी. लेट्स डू दिस इन 3 2. Well done, right? Well done. They will lock up the trophy now. You did awesome. Well played, left lock. Awesome. 1, 2, 3. Team Destiny. All right. Right block. Congratulations. Thank you. लेफ्ट ब्लॉक वेल प्लेड, बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन दिया. बीच में हमें लगा था कि आप लोग शायद जीत जाओगे, बट दे वर जस्ट द बेटर टीम. थैंक यू सो मच. वेल प्लेड, बट दिस डजंट एंड हियर. वेल प्लेड, दैट्स नॉट ऑल. आज मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी लेकर आया. गाइज, हमारे इस शो का छठा हफ्ता शुरू हो चुका है और इन 6 हफ्तों में आपकी जो डिमांड्स हैं चीज़ों को लेकर, वो कम तो बहुत दूर की बात है, वो तो बढ़ती ही जा रही है. कभी मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर देता हूँ, कभी क्वीन आप पर मेहरबान हो जाती हैं. आज आपके पास एक और मौका है इस पिटारे को खोलने का और अपने लिए कुछ सरप्राइजेज निकालने का, लेकिन हम इसमें नहीं घुसने वाले, क्योंकि इसमें घुसेगी हमारे शो की लॉयल ऑडियंस. oh, okay. जो 24 घंटे कॉन्स्टेंटली आप लोगों को देख रही है, आप लोगों को सपोर्ट कर रही है, आप लोगों के लिए लड़ रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर आर्डेंट फॉलोअर्स. थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन. इस शो में आपका फ्यूचर भी वही डिसाइड करते हैं. इस शो में आपको क्या मिलता है वो भी आपकी ऑडियंस ही डिसाइड करती है. तो अब हम चाहते हैं कि ऑडियंस ही ये डिसाइड करें कि आपको और क्या क्या मिल सकता है. हमारे लॉकअप की लेटेस्ट पेशकश, अपील बॉक्स. अपील बॉक्स, अपील बॉक्स, अपील बॉक्स में कुछ आइटम्स हैं. वो आइटम्स की जो लिस्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जब आप वो लिस्ट देखेंगे. जब आप जेल में वापस जाएंगे तो आपके मॉनिटर पे उन आइटम्स की लिस्ट आएगी जिनके लिए आप अपने ऑडियंस से अपील कर सकते हैं कि वो आपके लिए वोट करें और आपको वो आइटम्स दिला दें. ऑडियंस आपके लिए अगला पूरा हफ्ता वोट करेंगी
ताकि उस हफ्ते के एंड में जो जो आइटम्स आपने मांगी है ऑडियंस से वो आपको मिल जाए। बट याद रखिएगा कि हर कैदी सिर्फ एक आइटम चूज करके उस आइटम के लिए वोट की अपील कर सकता है। इज अ जेलर ऑन दैट लिस्ट? थिंक टाइम्स हैव चेंज्ड। आई एम एक्चुअली नाउ इन अ कमिटेड रिलेशनशिप एंड वेरी हैप्पी। सो कमिंग बैक टू द पिटारा, हर कैदी कोई एक आइटम के लिए अपील कर सकता है अपनी अपनी ऑडियंसेस से, और वो आइटम सिर्फ और सिर्फ उस कैदी को मिलेगा। अगर बाय चांस कोई एक आइटम दो कैदियों को चूज करने का मन है तो वो आपस में आप लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा कैदी उस आइटम के लिए अपनी ऑडियंस से अपील कर सकता है या कर सकती है। ऑल्सो आज का जो हमारा अत्याचारी खेल है था, जो कि राइट ब्लॉक जीत चुका है, आप लोगों को भी चूज करना है कि आगे क्या होने वाला है। शायद जितने अभी आप खुश लग रहे हैं चॉइसेस के बाद ना लगें, क्योंकि यू नो द ड्रिल, चॉइसेस रेपरकशंस 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 रेपरकशंस। सो हर चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। राइट, ऑल द बेस्ट, हैव फन, चूज वाइजली। आई विल सी यू व्हेन आई हैव टू सी यू। थैंक यू जेलर, बाय। Thank you, everyone. Thank you, Blue. One last time, guys. Team K3. One, two, three. Team K3.